नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों से 150 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किए। गंजवासोदा में बीती रात को कोतवाली पुलिस ने माल गोदाम के पास घेराबंदी कर 5 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आए युवकों के पास से 150 ग्राम शुगर, जिसकी कीमत 7,50,000 रुपये है। वहीं कोतवाली पुलिस ने युवक युवती से 3 किलो 600 ग्राम गांजा भी जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 51,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों पर NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। गंजवासोदा से सचिन शर्मा की एक रिपोर्ट। शहर वीरेंद्र झा और क्राइम ब्रांच के श्री बीरा, उन दोनों की टीम के द्वारा काफ़ी दिनों के निदेशक महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। सूचना प्राप्त हो रही थी, इसी के तारतम में कल 2 आरोपियों से 300 ग्राम गांजा, 5 आरोपियों से 150 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 आरोपी से 7 पेटी शराब और 1 आरोपी से 5 लीटर कच्ची शराब, लगभग 8.5 लाख रुपये की अलग 4 प्रकरण बना के कार्रवाई की गई। आते हैं उस बारे में जानकारी प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की। 2 आरोपी बाहर के हैं जो पूछताछ कर अग्रिम इसमें और लोगों के नाम जुड़ेंगे। इसमें जो लोग यहाँ के लोकल इनके पेडलर्स होंगे या जो लोकल सप्लायर्स होंगे, तो चेन में जो लोग आएंगे उन ढेला भी करते हैं। सर महिला पकड़ाई सर वो कहाँ की है जी? क्या पकड़ा है महिला जो है उसका नाम है रोशनी पद्धति है, वो जिनादेव की रहने वाली है। उसका एक साथी है जो विदिशा का रहने वाला है, वो दोनों लोग इस मामले में पकड़ाए हैं। और क्या पकड़ा है? उसे 3 किलो 600 ग्राम गांजा पकड़ाया है, जो यहाँ बेचने के लिए आए थे। वो पहले भी ऐसा करते रहे हैं और इस बार सूचना प्राप्त हुई थी तो हमारे द्वारा कार्रवाई की।